औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों, 18वीं सदी में क्यों? ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। यह वहाँ क्यों संभव हुआ और उस समय ही क्यों, ये प्रश्न शुरू से विवाद के मुद्दे रहे हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस तरह के व्यापक परिवर्तन किन्हीं एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई सकारात्मक परिस्थितियों के संयोग से होते हैं। 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के लिए ब्रिटेन में ऐसी क्या सकारात्मक बातें थीं, आइए देखें। का राजनैतिक परिस्थिति। ब्रिटेन 17वीं शताब्दी में राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित रहा और इसके तीनों हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजा का शासन था। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का या एक मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। यह व्यापार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। वहाँ के राज्य शासन ने व्यापार और उद्योगों को रोकने वाली व्यवस्थाओं को हटाया या कम कर दिया, लेकिन राज्य ने उद्योगों में निवेश नहीं किया। यह जरूर था कि सन 1830 तक राज्य ऐसी सीमा शुल्क लगाता था कि विदेशों से बने औद्योगिक उत्पादन ब्रिटेन में महंगे हो जाएं। लोग फिर इंग्लैंड में बनी चीज़ें ही खरीदते। सन 1846 में शासन ब्रिटेन के उद्योग व कृषि की रक्षा के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को हटाने लगा, यानी ब्रिटेन में किसी भी सामान का आयात या निर्यात करने पर एक समान सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। इसे मुक्त व्यापार नीति कहते हैं, जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और निजी पूंजीपतियों को स्वतंत्रता के साथ काम करने देता है। ब्रिटेन यह इसलिए कर पाया क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन के उत्पाद इतने सस्ते हो गए कि ब्रिटेन को किसी दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं रहा। ख घरेलू बाजार। औद्योगिकरण से किसी भी चीज़ का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है जिसे बेचने के लिए बड़े बाजार की ज़रूरत होती है। देखें ब्रिटेन में यह कैसे बना। 16वीं शताब्दी में राजनैतिक एकता और प्रशासनिक केंद्रीकरण के कारण संपूर्ण ब्रिटेन में एक आर्थिक नीति लागू हुई। बाजार व्यवस्था में स्थानीय सामंतों या अधिकारियों का पहले जैसे कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे। पूरे देश में एक कर व्यवस्था, एक मापतौल और एक मुद्रा प्रणाली स्थापित हुई। इससे पूरे देश में व्यापार करना आसान हो गया और देश में आंतरिक व्यापार तेजी से बढ़ पाया। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ब्रिटेन में लेन देन में मुद्रा का व्यापक उपयोग होने लगा। इससे पहले अनाज ही लेन देन का माध्यम था और वस्तु विनिमय व्यापक था, लेकिन व्यापार के बढ़ने से 17वीं सदी से वस्तु विनिमय कम होता गया और मजदूरी, जमीन का लगान, कर आदि नगद के रूप में ही अदा किए जाने लगे। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण था कृषि का व्यापारीकरण। अब खेती घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए होने लगी, अतः गाँव में मुद्रा का चलन बढ़ गया। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। ग कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रांति। ब्रिटेन में 15वीं सदी से ही अनाज, मांस और ऊन का व्यापार बढ़ रहा था। इसके कारण बहुत से किसान बाजार के लिए उत्पादन करने लगे। 17वीं सदी में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिस कारण ऐसे कृषकों को अधिक लाभ हुआ। जब वहाँ के जमींदारों ने यह देखा तो वे खेती में रुचि लेने लगे। उन्होंने किसानों को अपनी जमीन से हटाकर मुनाफे के लिए खुद मजदूरों से खेती करवाने लगे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा, जिसे कृषि क्रांति कहा गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी जमीन से किसानों को बेदखल कर दिया, आसपास के किसानों के खेत खरीद लिए और चारागाह जैसी गांव की सार्वजनिक जमीन को भी घेर लिया।
इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिस पर वे नए तरीके से खेती करवाते थे या व्यावसायिक भेड़ पालन करवाते थे। इससे खाद्यान्न, ऊन और मांस का उत्पादन तो बढ़ा, मगर किसानों से आजीविका छिन गई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीन पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों को कहीं और काम धंधे तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को दोहरा लाभ पहुंचाया। पहला, खेती और उत्पादन को पूर्णतः व्यापार के उद्देश्य के लिए करना, और दूसरा, कृषकों को औद्योगिक मजदूर बनाने में मददगार होना। घ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेश। 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन के व्यापारी चीन, भारत, अफ्रीका, अमेरिका आदि में सक्रिय व्यापार और राजनीति में लगे हुए थे। इस कारण ब्रिटेन में धन और पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अमेरिकी उपनिवेशों के कारण उन्हें सस्ते में कपास, अनाज आदि उपलब्ध हुए। इसके बदले में ये उपनिवेश ब्रिटेन में बने औद्योगिक उत्पादों को खरीदते थे। ब्रिटेन के महानगर विश्व व्यापार के केंद्र बन चुके थे। इस कारण वहाँ पर बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं बनी, जो किसी भी आर्थिक परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध करा सकती थी। ब्रिटेन में कारखाना लगाने के लिए ये सब सुविधाएं बहुत काम आई। औद्योगिकरण के लिए चाहिए कि जरूरी मात्रा में पूंजी अर्थात धन उपलब्ध हो, जिसे मुनाफे के लिए निवेश किया जा सके। यह किसी का व्यक्तिगत धन हो सकता है या बहुत से लोगों का धन, जो बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिले। दूसरी जरूरत बाजार की है। उत्पादित सामान को खरीदने के लिए लोग तैयार हों और उन तक सामान को आसानी से और कम खर्च में पहुंचाया जा सके, यानी खरीदारों को बाजार से खरीदने की जरूरत हो और उनके पास पैसे हों। साथ ही औद्योगिक उत्पादन पर अनावश्यक कर न लगे और परिवहन की सुविधा हो, ताकि कम खर्चे में सामान दूर दराज के ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। तीसरी जरूरत है कामगारों की, जो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हों और जिनके पास इस मजदूरी के अलावा और कोई जीविका का साधन ना हो। चौथी जरूरत है सस्ते में मगर नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति। हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटेन के औद्योगिकरण को उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेशों ने संभव बनाया।